Can I see your body food? Cool, right, Ash? Hello everyone, welcome to my channel. I hope आप लोग की life बहुत अच्छी जा रही होगी. आयांश और स्मैन दोनों ही बच्चों को एनिमल्स एंड बर्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट है. स्पेशली स्मैन आजकल बर्ड्स को देखकर वो काफ़ी हैप्पी और एक्साइटेड हो जाता है. तो इस मेमोरियल वीकेंड पर हमने बच्चों के साथ सफारी घूमने का प्लान बनाया, जो कि हमारे यहाँ से अराउंड 3 घंटों की दूरी पर है. पर बच्चों के साथ ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी जो कि इतनी दूर हम ड्राइव करके आए हैं. बट इट वॉज़ टोटली वर्थ कि हम यहाँ आए. बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया. तो मैंने सोचा कि हमारी वर्जीनिया सफारी ट्रिप की कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करूँ. तो लेट्स सी. बेबी हियर, 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 बेबी, बॉडी, बॉडी, कैन आई गेट मोर बॉडी, कम कम मोर बॉडी. I got colorful this time. See? Smell? Hold it, hold it. Buddy to nahi. Hold it. Why we back? Wow. Yeah. Hold it. दूर से ही बुला रहे वो, पास नहीं जाना. सफारी के लिए हम घर से अराउंड मॉर्निंग के 10 बजे निकले थे और दोपहर के 1 बजे तक हम यहाँ आ गए थे. अभी मई मंथ में ज़्यादा यहाँ पर गर्मी नहीं होती है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है. अयांश हमेशा से एनिमल लवर रहा है. यहाँ पर भी उसने बर्ड्स को काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया. जैसा कि आप देख रहे हो कि सफारी में एनिमल्स एंड बर्ड्स काफ़ी पीपल फ्रेंडली होते हैं. तो जैसे ही वो स्मैन के पास आते हैं, स्मैन थोड़ा सा स्केयर हो जाता था, बट उसने ओवरऑल काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर. मोर मोर बेबी मोर, पर स्केयर बेबी मोर. जब हम यहाँ पर आए थे उस समय एनिमल्स काफ़ी एक्टिव थे और फिलहाल अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स रेस्ट कर रहे हैं. वैसे सफारी विजिट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग का होता है, क्योंकि उस समय एनिमल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं. एक दिन पहले फ्राइडे को हम हमेशा यही प्लान करके सोते हैं कि कल जल्दी उठेंगे, जल्दी रेडी होंगे, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे घर से. पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है. घर से निकलते निकलते 10-11 तो आराम से बच जाते हैं. वैसे भी सीजन की हमारी सेकेंड या थर्ड ट्रिप है, तो माइट बी इन फ्यूचर जितना ज़्यादा हम ट्रिप करेंगे, आई होप सो, उतना ही ज़्यादा हम टाइम मैनेज करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे. लेट्स सी. बेबी वॉच सी. बेबी व्हाट्स दैट? स्मैन को पेंगुइन्स देखना बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक वो यहीं पर उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा था. और मैंने इस व्लॉग में ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया है. ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा ये व्लॉग नेचुरल रख सकूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे इंजॉय कर सको. यहाँ पे हमने 3-4 ही ऐसे एनिमल्स देखे जो सेल्स में बंद थे, वरना मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यहाँ पर आराम से घूम रहे थे. पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम थोड़े से वाइल्ड एनिमल भी देखें, स्पेशली एलिफेंट, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है. बट आई थिंक सो, ये एनिमल्स यहाँ पर नहीं थे. मोस्टली ऐसे ही एनिमल्स इन्होंने साथ में रखे थे जो साथ में सेफली रह सकें. सफारी की ये थी, मुझे बहुत पसंद आई कि आप खुद एनिमल्स को फीड कर सकते हो. और यहाँ के एनिमल्स भी पीपल फ्रेंडली हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह उन्हें ट्रेन किया है. वरना इतने नज़दीक से एनिमल कहाँ देखने मिलते हैं कि बच्चे आराम से उनके साथ खेल सके, खिला सके, उन्हें टच कर सके. बच्चों के साथ तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा. Yes, like this. Yeah. Do it. You do it, do it. Okay. That's it. Bye. Bye. Say bye. 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 Baby, say bye. 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 That's a big type.
Yes, look at here. Please come. Come on, let's go. थोड़ा भी हाथ कम हो उसकर भाग जाते हैं। This guy here. Feed it. दोस्तों आज मैं बहुत हैप्पी हूँ मुझे आपके साथ ये बात शेयर करते हुए। काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 1000 मेंबर्स की फैमिली बन चुके हैं। जी हमारे YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू। आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहे और अपने लाइक एंड कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं यूज़फुल, एंटरटेनिंग एंड साथ ही साथ अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस बना सकूं। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिक्वेस्टेड वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। वर्जीनिया सफारी पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है। इस पार्क को पूरा कवर करने में हमें इवनिंग के 6 बज गए थे। लाइक आप यहाँ पर इजीली 4 से 5 घंटे बच्चों के साथ में बिता सकते हो। और पूरे दिन इन एनिमल्स को लोगों ने इतना फूड ऑफर किया है कि एंड ऑफ द डे इन्हें फूड खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए फूड आपको टिकट काउंटर पर ही मिल जाते हैं। बाहर का फूड खिलाना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। Baby, come back here. Yeah, good job. Sit down there. Baby, go. Go sit down with Bhaiya. Go. Go sit down. Baby, sit down. Around 6:30 हम पार्क से बाहर आ गए थे। एक्चुअली हमारा डिनर करने का प्लान बन रहा था। इफ़ हम पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1 meal, जो कि मोस्टली लंच होता है, मैं घर से ही बनाकर ले जाऊँ, जिसे हमने अराउंड 12:30 कार में ही कर लिया था। देन बच्चों के स्नैक्स के लिए मैंने फ्रूट्स, योगर्ट्स एंड कुकीज़ कैरी किया था, जो मैंने ऑलरेडी उन्हें 3 से 4 बजे के दरमियान खिला दिया है। डिनर में हमने मैक्सिकन फूड ऑर्डर किया है। एक्चुअली पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को मैक्सिकन और इटालियन फूड दोनों ही खाना पसंद है, तो अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो मोस्टली ट्राई करते हैं कि मैक्सिकन फूड खाएं। अयांश को मैक्सिकन बरीतो खाना पसंद है। इवेंस मैन ने भी मैक्सिकन राइस ट्राई किया और उसने भी लाइक किया। सो ओवरऑल सभी को ये फूड पसंद आया। बेबी, वी आर हैविंग फन। बेबी, दा, बेबी, यस, बेबी, या, फन, राइट? ला, यम्मी, यम्मी, नो? Baby, what you have? Baby, look at this. Look at here. Baby. Wow. Bye bye. Baby, bye bye. Baby, say bye bye. Bye bye. 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 Cute, right? आफ्टर डिनर और घर जाने से पहले हम सफारी के सराउंडिंग शॉप में घूम रहे थे, ताकि कुछ अच्छा बच्चों के मेमोरी के लिए हमें मिल सके। इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।